देश भर में कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा परेशान प्रवासी मजदूर हैं। पीएम मोदी के लॉकडाउन के ऐलान के बाद से मजदूर पैदल ही अपने राज्य और अपने घर निकल पड़े थे, जिसके बाद इस पर खूब राजनीति हुई। हालांकि ये सब लॉकडाउन 1 में और लॉकडाउन 2 में देखने को मिला, लेकिन पीएम मोदी ने तीसरे लॉकडाउन के दौरान मजदूरों और छात्रों के लिए सुविधा दी है। राज्यों की मदद से रेलवे सभी मजदूरों और छात्रों को उनके घर तक पहुंचा रही है, लेकिन इस पर कांग्रेस ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। दरअसल कांग्रेस को इस बात से समस्या है कि मजदूरों से ट्रेनों का किराया क्यों लिया जा रहा है, जब दूसरे देशों से लोगों को फ्लाइट से फ्री में लाया जा सकता है, तो आखिर इन मजदूरों को फ्री में घर क्यों नहीं भेजा सकता है। हालांकि इस मामले में कांग्रेस अधूरी जानकारी के आधार पर ही राजनीति कर रही है। रेलवे ने साफ कर दिया है कि मजदूरों से कोई किराया नहीं लिया जा रहा है, बल्कि संबंधित राज्य सरकार से केवल मानक किराया लिया जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई हर जरूरतमंद श्रमिक और कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा का टिकट खर्च वहन करेगी और जरूरी कदम उठाएगी। सोनिया ने कहा कि उनकी पार्टी मजदूरों के टिकट का खर्च उठाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मेहनतकश श्रमिकों और कामगारों की इस निःशुल्क रेल यात्रा की मांग को बार बार उठाया है। दुर्भाग्य से न सरकार ने एक सुनी और न ही रेल मंत्रालय ने, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये निर्णय लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई हर जरूरतमंद श्रमिक और कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा का टिकट खर्च वहन करेगी व इस बारे में जरूरी कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि मेहनतकशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के मानव सेवा के इस संकल्प में कांग्रेस का ये योगदान होगा। हालांकि ये पहली बार है जब कोरोना काल में कांग्रेस मदद के लिए आगे आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।